इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसी संस्थाओं का निर्माण होना, वाटरवे का निर्माण होना, नए लॉजिस्टिक हब का निर्माण होना, आईटी के नए हब का निर्माण होना, ये नए भारत की नई कहानी को कहता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ तेजी के साथ भारत के अंदर बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं, हर भारतवासी के जीवन में व्यापक खुशहाली करने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के माध्यम मिले हैं, तो इसके साथ ही हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, उन्होंने भले ही नारे भले ही दिए हो, लेकिन एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास आजादी के 6-7 दशक में होने चाहिए थे नहीं कर पाए। मात्र 9 वर्ष में करोड़ों लोगों के लिए सिर ढकने के लिए आवास मिल जाना, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय हो जाना, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना का स्वस्थ ईंधन उपलब्ध करवाने का कार्य कर देना, करोड़ों नौजवानों के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हो जाना, आजादी के बाद 70 वर्षों में जिन गरीबों के बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाए थे उनके जनधन के अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों का आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर का मिल जाना, और भारत अकेला देश है जिसने अपने 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में और आज भी लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य जो कर रहा है वो अकेले भारत है। अकेले भारत है जिसने अपने देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजें फ्री में उपलब्ध करवाई अपने नागरिकों को, दुनिया के किसी भी अन्य देश ने नहीं कर पाया, कोई अन्य देश नहीं कर पाया भाइयों बहनों। और इसीलिए एक ओर ये कार्य हो रहे हैं, इसके साथ ही विरासत का सम्मान भी हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कोई जनपद नहीं जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों को सम्मानित किया गया हो, उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप न दिया गया हो, और आजादी की लड़ाई के साथ साथ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का कार्य आपने देखा होगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो चुका है और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है, केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, महाकाल में महालोक का निर्माण हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावना का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। ये सभी सरकार अपने जनता के हितों को ध्यान में रखकर के, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रखकर के, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए लगातार कार्य हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसी विजन को डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मिशन बना रखा है। सपा बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे और परिवार विशेष को लूट करने की छूट देते थे। भैया बहनों, आज जाति के आधार पर नहीं, चेहरा देख करके नहीं, आज योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ दिया जाता है। हमने चेहरा नहीं देखा और न किसी वर्ग विशेष का पुष्टिकरण किया, हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक और हर परिवार के सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। हमने पुष्टिकरण को नहीं पर यहां पर पलट ले लिया, बल्कि हमने समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और
और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता, पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला। कोई नहीं कह सकता कि जाति मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। योजना का लाभ सबको देंगे। 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाए गए, 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए गए और अभी तो ये कनेक्शन दिलाए गए। अभी तो दीपावली और होली पर भाइयों में दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया जा रहा है और 15 करोड़ लोग पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी जहां भी आपके लिए नजदीक हो आप वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ अयोध्या। भाइयों बहनों, ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा क्या करती थी। परवर के भारती के भय और बसत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था लोदेश्वरनाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कावड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया लेकिन भेदभाव की कोई शिकायत नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, 17 के पहले के उत्तर प्रदेश आपको भूले नहीं होंगे। क्या स्थितियां थी हमारे नगरों की, ये नगरीय जीवन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम है ही, आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को उनके जीवन स्तर को उठाने का एक माध्यम होता है। अच्छी सड़कें मिले, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, कूड़ा कलेक्शन की बेहतर व्यवस्था हो। 17 के पहले की स्थिति क्या थी, हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा, उनका बयान भी व्यक्त कहता, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया।
पहली बार स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है हर गरीब के घर में एक एक शौचालय बन गया। स्वच्छ भारत मिशन हर नागरिक यानी नारी गरिमा की सुरक्षा का प्रतीक को बनाई। स्वच्छ भारत मिशन साथ ही साथ स्वस्थ भारत का मिशन भी बना। स्वस्थ भारत की आधारशिला भी यहीं से प्रारंभ होती है। बीमारियों का खर्चा लोगों का घटा है, कम हुआ है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने प्रारंभ हुई है। आज किसी भी नगर में आप जाएंगे, आज कूड़े का ढेर उस नगर की पहचान नहीं होती है। आज तो उस नगर की पहचान एक स्वच्छ शहर के रूप में होती है। और हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिनमें 10 नगर निगमों को भारत सरकार और 7 नगर निगमों को प्रदेश सरकार उन्हें सपोर्ट करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वहां पर जनता की बेहतरीन सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले हमारे शहरों में शोरों का आतंक हुआ करता था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। कोई व्यक्ति घर के बाहर निकला हो वापस आ सके इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज तो हमारे शहर सेफ सिटी हो रहे हैं, सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। हमने एक प्लान किया पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में, जब कोरोना कालखंड में हमें एक एक चीज की मॉनिटरिंग करनी थी, हर जिले में हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किए थे। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उस जिले के अंदर कोरोना प्रबंधन के कार्य की मॉनिटरिंग कर रही थी। और भाइयों बहनों, अब यही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे सारी जीवन की आधारशिला में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनने जा रही है। हम उसे सेफ सिटी में भी जोड़ेंगे, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भी करेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग शहरी क्षेत्र में जनता की अन्य सुविधाओं को मॉनिटरिंग करने में भी करने जा रहे हैं। व्यापारी रंगदारी देता था, आज व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हमारी सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हो रहा है। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी और आज वह गले में पिछले तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता और दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी सभी व्यक्ति को छेड़ने का विश्वास नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं ये नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए। हमारी सिटी हो स्मार्ट, हमारे नगर हो सेफ सिटी के रूप में हमारे नगर अपनी पहचान बनाए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, हर घर नल की योजना प्रभावी रूप से लागू हो सके, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निकायों में चुनाव लड़ रही है। और नगर निकायों में चुनाव लड़ा करके जनता के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन का माध्यम नगर निकाय चुनाव बन सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करने के लिए आई है। और भाइयों बहनों, इसलिए से हमने जो प्रत्याशी उतारे हैं, श्रीमती शशि श्रीवास्तव को नगर पालिका परिषद बाराबंकी के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने अपना प्रत्याशी बना करके एक बार फिर से आपकी सेवा के लिए बाराबंकी के अंदर दिया है। श्री त्रिवेणी प्रसाद नगर पंचायत देवा के, हेमंत कुमार नगर पंचायत फतेहपुर, श्रीमती संजू जायसवाल नगर पंचायत दरियाबाद, रुकैया बानो नगर पंचायत जयपुर, श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता नगर पंचायत टिकैत नगर, श्रीमती कुसुमलता वर्मा नगर पंचायत राम स्नेही घना, श्रीमती पूजा दीक्षित नगर पंचायत हैदरगढ़,
श्री पत्री विशाल त्रिपाठी नगर पंचायत रामनगर, जयप्रकाश शर्मा नगर पंचायत संतरी, मणिराम रावत नगर पंचायत सुबेहा, रमता रावत नगर पंचायत सिद्धौर, शैल कुमारी मौर्या नगर पंचायत कंकी और कमला देवी नगर पंचायत बेलहरा, ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों, करतल ध्वनि से एक बार इनका जोरदार स्वागत करिए। भाइयों बहनों, इनको तो जिताना ही है, इनके साथ पार्षदों को भी विजयी बनाना है। इनके साथ जो पार्षद है, जो फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा, तो फुल मेजोरिटी का बोर्ड ही जो दिल्ली और लखनऊ से पैसा आएगा, उस पैसे को जमीनी धरातल पर ले जाकर के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और हर व्यापारी के साथ साथ हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं देने में सफल होंगे। इनको जिता करके भेजेंगे, सभी पार्षदों के साथ पूरा बोर्ड बनाने में योगदान देंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव जाति का नहीं है, मत और मजहब का भी नहीं है, और ये चुनाव सहानुभूति का भी नहीं है, सिंपैथी प्राप्त करने का माध्यम भी नहीं है। ये चुनाव तो जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ और नगरीय जीवन को सुदृढ़ करने का एक चुनाव है, और इसीलिए डबल इंजन की सरकार आप सब